मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में चोरों का एक गिरोह घूम रहा है जो बंद घरों को अपना निशाना बना रहा है। लोगों की मेहनत की कमाई लेकर ये चोर रफू चक्कर हो जा रहे हैं। कादर पैलेस में 28 तारीख को सैयद आमिर के घर की कड़ी काट कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उसी तरह से मुंब्रा के शिवली नगर में चोरों ने घर की कड़ी काट दी। शिवली नगर के बागे मेहर बी विंग के चौथे मंजिले पर रूम नंबर 404 जो मोहम्मद रफीक का घर है, वो अपने पूरे परिवार के साथ गांव गए हुए हैं। मगर 28 तारीख की रात करीब 2:30 बजे इमारत में दो चोर दाखिल होते हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो चोर इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। देखिए पहले कैसे एक चोर आता है, फिर दूसरे चोर को बुलाता है, मगर काले टी शर्ट वाले की नजर तभी सीसीटीवी पर पड़ जाती है और दूसरे चोर को भी मुंह छुपाते हुए सीसीटीवी की जानकारी देता है। हालांकि ये दोनों चोरों ने घर की कड़ी काट दी और घर में भी दाखिल हो गए। ये चोर इतने शातिर थे कि घर में दाखिल होने से पहले आसपास के मकान के दरवाजों में भी कड़ी मार दी ताकि कोई आवाज सुनकर बाहर ना निकल सके। मगर सुबह के वक्त एक दूसरे से संपर्क कर लोगों ने अपने घर के दरवाजे की कड़ी खुलवाई और जब पास में देखा तो रफीक मोहम्मद के दरवाजे की कड़ी काट दी गई थी, जिसके बाद इसकी जानकारी इमारत में रहने वालों ने पड़ोस में रहने वाले मोहम्मद रफीक के रिश्तेदार अजीज को बुलाया गया। अजीज के अनुसार शायद सीसीटीवी देखने के बाद चोरों ने कुछ चोरी नहीं की है, मगर रफीक मोहम्मद जो चोरी की खबर सुनकर गांव से वापस आ रहे हैं वही बता पाएंगे कि उनके घर में चोरी हुई है या नहीं। बहरहाल जिस तरह से चोरी की घटनाएं मुंब्रा शहर में लगातार बढ़ रही हैं, अब लोगों को घर में ताला लगा कर जाना भी मुश्किल है। यानी आप ये जान लें कि चोरों की नज़र हर उस घर पे है जिसमें ताला लगा हुआ है। बहरहाल जिनके घर का चोरों ने कड़ी काटी है वो अभी गांव से आ रहे हैं और इनके रिश्तेदार अजीज़ ये ड्यूटी पर चले गए थे इसलिए इनसे हमारी बात नहीं हो पाई। मगर इसी इमारत में रहने वाले इकबाल हुसैन जिसने चोरी की घटना की जानकारी दी है, उन्होंने क्या कुछ बताया है। 28 तारीख को करीबन रात को 2:30 बजे और वो लोग चोर लोग आए और इसके अंदर अपना दरवाजे के कड़ी काटे, फिर उसके बाद में वो लोग अपना अंदर गए, फिर उसके बाद में उस सीसी कैमरे पर उनका नज़र पड़ा और उन्होंने अपनी मुंह छुपाया और फिर उसके अंदर में चोरी करने के अंदर में क्या चोरी हुआ क्या नहीं हुआ, जिसका रूम है वो गांव है, उनके रिश्तेदार को बुलाया गया, उनके रिश्तेदार ने चेक किया, वो भी उनको कन्फर्म नहीं मालूम कि क्या चोरी हुआ क्या नहीं चोरी हुआ। और इसके अब वो गाँव से आने वाले हैं, एक दो दिन में वो आ जाएंगे, वो आके अपना घर के अंदर देखेंगे, देख रेख करेंगे, अब वही कन्फर्म बताएंगे कि चोरी हुआ क्या नहीं चोरी हुआ, वही कन्फर्म बता सकते हैं। और क्या उन्होंने कहा था कंप्लेन वगैरह करने के लिए, अभी पुलिस में कंप्लेन की है? अभी वो एक दो दिन में आने वाले हैं, उन्होंने कहा कि आके फिर चल के हम पुलिस चौकी में कंप्लेन करेंगे। इनका घर है, क्या नाम है उनका? इनका घर है जिसका रफीक मोहम्मद नाम है जिसका रूम है और हम इसी बिल्डिंग में रहते हैं और हमने देखा तो मैंने ये बात रखा और सब लोग ने आके देखा कि दरवाजे की कड़ी कड़ी हुई थी, सबके दरवाजे खुल गए और बाहर से सबके दरवाजे में कड़ी में लगा दिए थे चोरी करने के टाइम में, ऊपर जो खुले हुए कड़ी थे वो बाहर से उन लोगों ने सबके दरवाजे में लगा दिए, उसके बाद वो काटा गया। वही बागे महर इमारत के बगल में ही पान की दुकान चलाने वाले इब्राहिम की दुकान का भी रात में चोरों ने ताला तोड़कर दुकान में रखे सामान चोरी कर लिए हैं। इब्राहिम के अनुसार करीब 17,000 से 18,000 का सामान चोरी हुआ है। क्या नाम है आपका और आपके दुकान से कब चोरी हुई, क्या क्या सामान चोरी हुआ है? 27 तारीख को हम लोग दुकान बंद करके गए थे, तभी रात में चोरी हुई। क्या क्या चोरी हुआ? चोरी गई है। कितने का माल था? लगभग 19,000 का माल था। बहरहाल अब आपको होशियार रहना पड़ेगा कि घर में ताला मार कर अगर कहीं आप जा रहे हैं तो आपके घरों में चोरी हो सकती है, क्योंकि मुंब्रा शहर में लगातार चोरी की घटनाएं अब बढ़ रही हैं। वहीं अभी तक बागे महर में रफीक मोहम्मद और इब्राहिम ने इसकी शिकायत पुलिस में नहीं दर्ज कराई है, क्योंकि मोहम्मद रफीक जो अभी गाँव से आ रहे हैं वे गाँव से आने के बाद ही इस चोरी की शिकायत पुलिस में करेंगे। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।
ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।